विश्वविद्यालय आई टी रोपड़ में मना रहे हैं। इसमें सभी जिला रूपनगर के शिक्षण संस्थानों को आमंत्रित किया गया और एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता हमने नवोदय विद्यालय आईआईटी और केवी आईआईटी रोपड़ की तरफ से रखी। हम देख पा रहे हैं कि जो मूल उद्देश्य हैं शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, कि हमने रोट लर्निंग से दूर जाते हुए एक वाइडर वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड नॉलेज सोसाइटी बनानी है, जिससे कि हम बच्चों को यू नो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी एबिलिटी डेवलप कर पाए, इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। और जो रीस्ट्रक्चरिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सजेस्ट की गई थी 5+3+3+4, उसमें उसको हमने बाल वाटिका के रूप में आज इस सेशन में लगभग 450 विद्यालयों के में बाल वाटिका चालू करके इसको कार्यान्वयन किया जा रहा है। और जो दूसरी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बात करती है कि भी फ्लेक्सिबल हो आपका असेसमेंट सिस्टम और उसमें बच्चे के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए, एक 360 होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए बच्चे का विकास सुनिश्चित किया जाए और उसको एक स्किल बेस्ड एजुकेशन भी दी जाए। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो है हमारे विद्यालय में सभी केंद्रीय विद्यालयों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू किया है। सभी बच्चे कक्षा 9 से ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए स्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लासेस 6-8 जो कि मिडिल स्कूल होता है उसमें भी हम एक 15 घंटे का स्किल कोर्स कोडिंग चला रहे हैं या पोल्ट्री चला रहे हैं या एग्रीकल्चर चला रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह के स्किल बेस्ड कोर्स भी हम सभी विद्यालयों में चला रहे हैं। नई शिक्षा नीति जोर देती है कि आर्ट इंटीग्रेशन हो, प्ले बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्ले बेस्ड पैडागोजी हो, ICT का इंटीग्रेशन हो, तो इस दिशा में सभी केंद्रीय विद्यालयों में भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योर किया जा रहा है ताकि हर बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में विकसित किया जा सके। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति में और प्रयास करने की ज़रूरत है आगे आने वाले सालों में, उसमें और प्रयास किया जाएगा। और जो मिशन मोड में काम हो रहा है वो FLN पे हो रहा है। FLN जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को इंश्योर करना है बाई द ईयर 2026, उसको एक मिशन मोड में सभी केंद्रीय विद्यालयों में, सभी नवोदय विद्यालयों में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी मॉनिटरिंग भी हर लेवल पे विद्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और नेशनल स्तर पर की जा रही है ताकि कोई भी बच्चा पीछे छूटे नहीं। ये जो है नई चेंजेस है पॉलिसी में और मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में शिक्षा में एक नई क्रांति के रूप में देखा जाएगा। धन्यवाद।